व्यक्ति विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार सेवा केंद्र का बेतिहाता में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने फीता काटकर किया शुभारंभ। कहा, यह आधार सेवा केंद्र प्रतिदिन 1000 नागरिकों को आधार से संबंधित सेवा करेगा प्रदान। सुनियोजित ढंग से गैंग बनाकर हत्या करने वाले चार अभियुक्त दीपक चौहान, सूरज, प्रदीप साहनी और रामानंद के ऊपर कैंट थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी ने दी जानकारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी बास्केटबॉल प्रतियोगिता व महंत अवैधनाथ राज्य स्तरीय प्राइज मनी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में कई जनपदों के खिलाड़ियों ने लिया भाग। 10 दिसंबर को विजयी खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। ₹10,000 के इनामी वांछित पशु तस्कर निर्भय राय उर्फ बिट्टू राय को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने समाज को एकजुट रखने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। समाज के वंचितों को जोड़ने का किया काम। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हम सब करेंगे प्रयास। शातिर चोरों मनीष रावत और काशिम के ऊपर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहब ने देश में एक मत एक व्यक्ति का प्रावधान कर संविधान में अमीर गरीब महिला पुरुष सबको दिए एक समान अधिकार। महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको किया याद। कहा, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस पार्टी है संकल्पित। और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कोतवाली थाने का किया औचक निरीक्षण। थाने के बैरक में क्राइम रजिस्टर को किया चेक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश।